हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी पैशन। तो आज की इस वीडियो में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि क्लास टेंथ ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 है। ओके, जिसमें हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर का नाम है। ओके, तो थोड़ा बहुत हम फॉरेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं और थोड़ा बहुत वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। गाइज, अगर आपने गौर करा हो तो इससे पहले जो भी हमने लेक्चर्स कंप्लीट करें, 6 से लेकर के अभी तक जो भी हमने 9 तक करी है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमने थोड़ा बहुत फॉरेस्ट के बारे में भी पढ़ा है एंड थोड़ा बहुत वाइल्ड लाइफ के बारे में भी पढ़ा है। ओके, तो ये सब जो अब आगे हम पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा एक्सटेंशन होने वाला है। ओके, जो भी हमने पुरानी वीडियोज में पढ़ा है। ओके गाइज, तो ये चैप्टर नंबर 2 है, उसके बारे में बात करते हैं। ओके, अब बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी किसे कहते हैं, ठीक है? ये मतलब एक ही मतलब है, बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कह लीजिए आप। तो ये क्या होता है? जनरली ये आप कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया में या अपने अर्थ पे जो भी वैरायटी ऑफ लाइफ है ना, उसको एक्सप्लेन करता है। मींस के किसी पर्टिकुलर एरिया में क्या, कौन सा वाइल्ड लाइफ पाया जाता है, कौन सी स्पीसीज पाई जाती हैं, कौन से जेनेटिक की होती है, क्या इकोसिस्टम लेवल है, ठीक है, वो सारा यहाँ पर बताया जाता है, उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ओके, अब देखिए, बायोडाइवर्सिटी में अगर आप देखें तो डाइवर्स इन फॉर्म एंड फंक्शन, ठीक है, अगर आप देखें तो ये यहाँ पर आपको बायोडाइवर्सिटी जो देखने को मिलेगी वो डाइवर्स मिलेगी। मतलब यहाँ पर आपको फौना भी किसी पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट मिलेगा। ओके, एंड वहाँ पर कहीं पर हो सकता है आपको फ्लोरा डिफरेंट मिले, तो वही सब चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो ये है आपका बायोडाइवर्सिटी, वो अगर आप उसमें देखें तो क्लोजली इंटीग्रेटेड इन अ सिस्टम थ्रू अ मल्टी नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसी। ओके, कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो एक फूड चेन है, ठीक है, फूड चेन है जिसमें जो एनिमल्स हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं एनिमल्स पे डिपेंडेंट है। तो हर चीज़ कहीं ना कहीं एक दूसरे से डिपेंडेंट है। ओके, वो फूड चेन बनाती है। अगर आप फॉरेस्ट में देखें तो जैसे डियर को देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, फूड चेन में अगर आप देखें तो डियर क्या है, ग्रास खाता है, डियर को फिर लॉयन वगैरह खा लेते हैं, तो एक फूड चेन है, वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है एक दूसरे पर। ओके, अब बात करते हैं, इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्डस रिचेस्ट कंट्रीज इन टर्म ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओके, अगर आप देखें तो इंडिया हमारा ऐसा कंट्री है जहाँ पर रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको फ्लोरा भी देखने को मिल जाएगी और फौना की भी बहुत सारी स्पीशीज देखने के लिए मिल जाती हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अच्छी डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी। ओके, अब बात करते हैं, इंडिया अगर आप देखें तो 8% ऑफ वर्ल्ड स्पीसीज को कंसिस्ट करता है, जिसमें से अगर आप देखें तो 81,000 स्पीसीज आपको फौना की देखने के लिए मिल जाती है। मींस अगर आप फौना का मतलब अगर आप सिंपल लैंग्वेज में जानना चाहें तो एनिमल्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ जो होता है। ओके, 47,000 स्पीसीज पाई जाती है हमारी फ्लोरा में, यानी कि हमारे फ्लावर्स वगैरह हो गए, प्लांट्स से रिलेटेड इतनी स्पीसीज पाई जाती हैं। अबाउट 15,000 फ्लावरिंग स्पीसीज आर एंडेमिक इंडिजिनस टू इंडिया। ओके, अगर एंडेमिक मतलब अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, वैसे मैं आपको बताया था एंडेमिक मतलब अगर सिंपली बताया जाए तो जो प्रेजेंट है हमारे यहाँ पर, जो हमारे यहाँ पर ही पाई जाती हैं, तो 15,000 समथिंग हमारे यहाँ पर पाई जाती हैं स्पीसीज। ओके, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज। ओके, जो कि हमारा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज हैज़ क्लासिफाइड प्लांट्स एंड एनिमल इन ऑर्डर ऑफ एक्जिस्टेंस। ओके, इन सबको हमने क्लासिफाई कराया, जो कि हमारा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, उसने इन्हें डिवाइड कर दिया, मतलब बांट दिया। बांटने की ज़रूरत क्यों पड़ी? बांटने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हमें पता लगे कि जो एनिमल्स हैं वो कितने हैं, ठीक है, जो नॉर्मल में कितने हैं और कितने ख़त्म हो चुके हैं, हमें किन्हें प्रिजर्व करना है, ठीक है। तो मतलब वही बात है, मैंने आपको बताया कि प्लानिंग करने से पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं। रिसोर्स में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं, ताकि हम उसको अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग रख सकें। ओके, तो वही चीज़ें यहाँ पर करी गई, यहाँ पर इन्होंने इसे क्लासीफाई करा कि हम इनकी अच्छे से स्टडी कर सकें और जो मतलब कि ख़त्म हो रहे हैं तो उन्हें बचा सकें। ओके, तो ये यहाँ पर हमने इन्होंने बांटा है, IUCN ने जो बांटा है इन्हें, ये 6 है, ठीक है, कैटेगरी, तभी इनके बारे में बात करेंगे। ओके, नॉर्मल स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होती हैं, वल्नरेबल स्पीसीज क्या होती हैं, रेयर स्पीसीज क्या होती हैं, एंडेमिक स्पीसीज और एक्सटिंक्ट स्पीसीज, इन तीनों के, इन 6 के बारे में हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके। ओके, अब बात करें नॉर्मल स्पीसीज, जैसे नाम से ही पता लग रहा हो, ऐसी स्पीसीज जिसकी पॉपुलेशन नॉर्मल है। ओके, जिसके बारे में हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, स्पीसीज हुज पॉपुलेशन लेवल आर कंसिडर्ड टू बी अ नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल, सच एस कैटल को देख लीजिए आप, साल, पाइन, ओके, ये रोडेंट्स, ये सब क्या हैं, ये नॉर्मली पाए जाते हैं, इस वजह से इन पर हमें इतनी चिंता लेने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल स्पीसीज हैं। ओके, जैसे नाम भी इनका नॉर्मल पड़ गया। इनडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है, इनडेंजर्ड स्पीसीज मतलब अब ऐसी स्पीसीज जो मतलब कि एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, मतलब ख़त्म हो सकती हैं, ठीक है, दीज आर स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटेंशन। ओके, वो ख़त्म हो सकती हैं और सर्वाइवल ऑफ सच स्पीसीज डिफिकल्ट इफ द नेगेटिव फैक्टर दैट हैव लीड टू डिक्लाइन देयर पॉपुलेशन कंटिन्यू टू ऑपरेट। ओके, देखिए कुछ नेगेटिव फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इनके
कि इनकी जो पॉपुलेशन है, इन स्पीसी कुछ पर्टिकुलर स्पीसीज़ की जो पॉपुलेशन है वो गिरती जा रही है। जैसे आप ब्लैक बग की देख लीजिए, क्रोकोडाइल की देख लीजिए, इंडियन वाइल्ड लाइफ की देख लीजिए, तो इनकी पॉपुलेशन गिरती जा रही है। क्यों? कुछ फैक्टर्स हैं, नेगेटिव फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। तो इन्हें हमें उन फैक्टर्स को हमें जानना होगा और इन्हें बचाना होगा, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल्स है, ब्लैक बग हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, इंडियन वाइल्ड लाइफ हो गया, इंडियन राइनो हो गया, लॉयन टेल मकैक हो गया, ओके। तो ये सब क्या है, आपके एग्जांपल्स हैं, ओके। इन्हें आप याद कर लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि इंडेंजर स्पीसीज में कौन सी आती हैं, और बाकी हमारे नॉन स्पीसीज में तो पता ही है आपको। बाकी जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे उन सब के बारे में पता होना चाहिए, एग्जांपल्स पता होने चाहिए, ओके गाइज। अब बात करते हैं वल्नरेबल स्पीसीज, ओके। ये कौन सी स्पीसीज होती हैं? स्पीसीज whose population has declined to a level from where it is likely to move into the endangered category, okay। यहाँ था normal, अब ये है endangered, अब ये vulnerable, ठीक है। मतलब सबसे बढ़िया तो ये है, फिर उससे बढ़िया endangered है, तो मतलब बढ़िया नहीं कह सकते, फिर उससे मतलब थोड़ा lower वाला ये हो गया, फिर उससे नीचे level पर अगर आप आएंगे तो vulnerable आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो है, मतलब कि वो इस चपेट में आ सकता है, ओके, endangered की species में आ सकता है, उसकी चपेट में आ सकता है, ओके। मतलब ये है, ये यहाँ हम जो बात कर रहे थे इंडेंजर्ड स्पीसीज की बात कर रहे थे, तो ये स्पीसीज ऐसी थी जो खत्म हो सकती हैं, ठीक है। कुछ नेगेटिव फैक्टर की वजह से इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। वल्नरेबल का मतलब ये है कि ये ऐसी पॉपुलेशन है जो इंडेंजर्ड हो सकती है, समझ लो, जो इंडेंजर्ड हो सकती है, जो हमने ही पढ़ा। तो यहां पर वही बोला गया, स्पीसीज हुज पॉपुलेशन हैज डिक्लाइन टू लेवल फ्रॉम वेयर इट इज लाइकली टू मूव इनटू अ इंडेंजर्ड कैटेगरी, ठीक है, उस कैटेगरी में पहुंच जाएंगी इन द नियर फ्यूचर इफ द नेगेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू टू ऑपरेट। कुछ फैक्टर की वजह से ये भी डिक्लाइन हो रही है और इतना डिक्लाइन हो जाएंगी, कहीं हो सकती है कि वो इंडेंजर्ड की कैटेगरी में पहुंच जाए, ओके। जैसे कि आप देखें, ब्लू शिप हो गया, एसेटिक एलिफेंट हो गया, गंगेटिक डॉल्फिन हो गया, ओके। कुछ नेगेटिव फैक्टर्स हैं, जैसे कि डॉल्फिन वगैरह आप देखें, पॉल्यूशन हो रहा है, ओके, गंगा में उसी लेवल का, तो इस वजह से कहीं ना कहीं कुछ फैक्टर्स हैं, ओके, तो उसे पता होना चाहिए आपको। अब बात करते हैं रेयर स्पीसीज की। अब रेयर स्पीसीज, जैसे नाम से ही आपको पता लग रहा है रेयर, ठीक है, कोई चीज़ रेयर होना। स्पीसीज विद स्मॉल पॉपुलेशन में मूव इनटू द इंडेंजर्ड और विलेनेबल कैटेगरी इफ द नेगेटिव फैक्टर अफेक्टिंग देम कंटिन्यू टू ऑपरेट, ओके। स्पीसीज जो है मतलब कि स्मॉल पॉपुलेशन में पाई जाती हैं, ओके, जनरली इनकी स्मॉल पॉपुलेशन है और वो कहीं ना कहीं मूव कर रही हैं, जो आपकी इंडेंजर्ड कैटेगरी मैंने आपको बताई, वल्नरेबल बताई, तो इनमें मूव कर रही हैं कुछ नेगेटिव फैक्टर्स की वजह से, तो उन्हें हमें पता करना पड़ेगा और फिर उसी के हिसाब से हमें इनका कंजर्वेशन भी करना पड़ेगा। जैसे अगर आप एग्जांपल में देखें तो ये आपको पता होने चाहिए, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हिमालयन ब्राउन बियर हो गया, वाइल्ड एसेटिक बफेलो हो गया, डेजर्ट फॉक्स हो गया, हॉर्नबिल हो गया, तो ये सब क्या हैं, आपके एग्जांपल्स हैं रेयर स्पीसीज के, ओके। अब बात करते हैं एंडेमिक स्पीसीज, जैसे कि मैंने लेक्चर स्टार्ट करा था तो हमने वहां पर देखा था एंडेमिक स्पीसीज 15,000 एंडेमिक स्पीसीज जो हमारे इंडिया में पाई जाती हैं फ्लावर की, तो उसके बारे में हमने बात करा। तो एंडेमिक क्या होता है, जो किसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, ठीक है, कि वहां का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसी पर्टिकुलर एरिया में है तो वहीं पाई जाएगी, तो उसे हम कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। स्पीसीज विच आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरियाज, यूजुअली आइसोलेटेड बाय नेचुरल एंड ज्योग्राफिकल बैरियर्स, ओके। वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है जहां का ज्योग्राफिकल और नेचुरल बैरियर्स की वजह से वो कहीं और नहीं पाई जाती हैं, ओके। हम बात करें तो हम इनके एग्जांपल में अगर आप देखें तो अंडमान टील हो गया, निकोबार पिजन हो गया, ठीक है, अंडमान वाइल्ड पिग हो गया, मिथुन हो गया, इन अरुणाचल प्रदेश, ओके। तो ये सब स्पीसीज के नाम है जो आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं एक्सटिंट स्पीसीज। एक्सटिंट मतलब जैसे आपको नाम से थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा, एक्सटिंट जो खत्म हो चुकी हैं, ठीक है, तो इंडेंजर्ड, ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीसीज हो जाती है, फिर ये उसके बाद इस कैटेगरी में पहुंच जाते हैं जहां पर आपका एक्सटिंट हो जाती है, मतलब वो खत्म हो गई, ठीक है। ये ऐसी स्पीसीज होती है जिनको, दीज आर स्पीसीज विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्च ऑफ नोन और लाइकली एरिया वेयर देयर में अकर, ओके। जहां ये पाई जाती थी ऐसी स्पीसीज, हमने वहां पर भी जाकर के रिसर्च करा बट वहां पर नहीं मिली, तो उसका मतलब यही हो रहा है कि ये स्पीसीज जो है वो खत्म हो चुकी है, जो नेगेटिव फैक्टर्स की वजह से कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है, ओके। हंटिंग वगैरह होती है, बहुत सारे रीजंस हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, ओके, उनकी वजह से कहीं ना कहीं ये सब एक्सटिंट हो चुके हैं। जैसे अगर आप देखें तो एसेटिक चीता उसमें आता है और पिंक हेडेड डग, ओके। एक्सटिंट का तो आपको पता ही होना चाहिए एग्जाम्पल्स, ओके, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, यही वन वन में आ जाता है आपका, ओके। अगर आप देखें तो हमने अभी क्या क्या डिस्कस कर लिया, एंड एक्सटिंट देख लिया, अब हम बाद में अगली वीडियो में, ये बड़ी हो जाएगी वरना वीडियो, हम कॉज के बारे में पढ़ेंगे, आखिर क्या रीजन रहे थे, ओके। तो हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले देखो हमने नॉर्मल के बारे में जाना, नॉर्मल स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में, वल्नरेबल स्पीसीज, रेयर स्पीसीज और एंडेमिक, और फिर एक्सटेंट के बारे में मैंने पढ़ा, ओके। अब मैं आपको यहां पर कुछ बताना चाहता हूं, जैसे कि अगर आप देखें तो
आपकी स्पीसीज है। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखें तो जो सबसे बुरी कंडीशन जो हो जाती है, मतलब कि अगर आप देखें जो मतलब खत्म होने की कदार पे आ जाता है, वो इंडेंजर्ड स्पीसीज होता है। ओके, वल्नरेबल स्पीसीज का मतलब होता है कि भाई वो इंडेंजर्ड में लगने वाला है, ठीक है। रेयर स्पीसीज का क्या होता है कि भाई इन दोनों में कन्वर्ट हो जाएगी स्पीसीज अगर इस पर ध्यान नहीं दिया हमने, इस कैटेगरी में पहुंच जाएगी। ओके, और एंडेमिक का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट होना। ओके, और एक्सटिंक्ट का मतलब भाई खत्म हो चुकी है ये स्पीसीज। ओके, तो आज हमने ये थोड़ा सा देखा इस चैप्टर में, और नेक्स्ट वीडियो में खत्म हो जाएगा क्योंकि छोटा चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, और इससे पहले भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है इसके बारे में। ओके गाइस, मिलते हैं अगले लेसन में। प्लीज वीडियो की, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वीडियो की जो पीडीएफ है वो नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और जो भी क्वेरीज हो प्लीज कमेंट करें, और इस फैमिली को बढ़ाने के लिए प्लीज वीडियोज को शेयर करें। मिलते हैं अगले लेसन में।